नहीं गुलगुले जी, मैं भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ मैं। तो पैर पड़ रहा था मैं आपके। मेरे पैर क्यों पड़ रहा था तू? वो आपके गुरुजी आ रहे ना जैकी चैन, मैं एक बार मुझे उनसे अकेले में मिलवा देना ना गुलगुले जी प्लीज। एक एक बस इतना फोटो खिंचवाना है उनके साथ में, एक ऑटोग्राफ उनका अकेले में कोने में दिलवा दीजिएगा बस प्लीज गुलगुले जी प्लीज। तो ठीक है यार, उसमें क्या है, मतलब वो तो हो सकता है, वो तो सकता है, लेकिन यार ये काम करवाने के लिए तू अगर अपने साथ जरा समोसे कचौरी कुछ साथ में लेके आता तो बात बन सकती थी। हाँ तो अभी ले आऊंगा ना मैं अभी लेके आता हूँ गुलगुले जी, लेकिन बात बनेगी। ला 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 ला, मैं लेके आता हूँ ना। हाँ समोसे कचौरी। गुलगुले जी को जाने नहीं देना है, मैं लेके आ रहा हूँ समोसे कचौरी। ये क्या कर रहा है बिल्लू? कौन बिल्लू? शर्म नहीं आती अपने बाप को बिल्लू कहते हुए? हाई स्कूल की परीक्षा नजदीक आ रही है, तू यहाँ पतंगे उड़ा रहा? तू है बिल्लू? नहीं तू तड़का तो बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है तुझे बोलते हो बेटा? अबे क्या हो रहा है बे, चौकी में शोर शराबा क्यों है? आ गई बासमती, चलते कहाँ चलते हैं? ये देख कैसी लफंडर औलाद पैदा किया तूने। अरे क्या खा के पैदा किया तूने इसको? क्या खा के? अरे तुझसे तो शादी करके भाग फूट गए मेरे। ये कौन है? कौन है बे? पराई औरत के साथ घूमते शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? कुछ हुआ था क्या सर? जिम सस्पेंड कर देंगे बे, ये होगा आज। डॉक्टर साहब आप जाकर वहां बैठिए प्लीज, बैठिए। सॉरी डॉक्टर तो दिखता नहीं क्या? डॉक्टर नहीं बिल्कुल। अबे दिखता है बे, डॉक्टर है ये, डॉक्टर दिखता है डॉक्टर। अबे आज हम तुझे सस्पेंड करेंगे, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, कमिश्नर साहब तक बचा नहीं पाएंगे। कह दिया तुझसे आज, आज प्लीज, आज के लिए सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आज मत कीजिए ना सर सस्पेंड। सर अगर आपने मुझे आज सस्पेंड कर दिया तो सर फिर मैं जैकी चैन जी से नहीं मिल पाऊंगा। सर जैकी चैन जी कल आने वाले हमारी चौकी में सर। क्या बात कर रहे हैं बे, जैकी चैन हमारी चौकी में आ रहे? माफ किया तुझे, माफ किया हमने। अच्छा बता कौन ला रहा है जैकी चैन को चौकी में? गुल्लू हाउ डू यू डू? फाइन सर। स्वीट बॉय गुल्लू, मिला ना? हाँ मिला हुआ सर। कब आएंगे गुलगुले जी, कब आएंगे बताइए ना, कब आएंगे? मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है अब। यार चुप रहे यार, मार्शल आर्ट का गुरु आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड ना आ रही थारी जो बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में? मैडम मत कीजिए ना प्लीज ऐसी इमोशनल बातें, आपको तो पता है कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई है अब तक, और आप मेरे जले पे नमक छिड़क रही हैं। मैं रैप का छिड़क दूंगी, चुप हो जा। वेल कहीं भूल तो नहीं गए गुरुजी रास्ता इसदा, मेरी बीवी रोज बनवाती है मुझसे नाश्ता इसदा। सही करती है। अरे अरे लेकिन एड्रेस तो मैंने एकदम सही समझा दिया था उनको। तो फोन कीजिए ना गुलगुले जी, फोन कीजिए ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा है कि मेरे सामने महान जैकी चैन आने वाले हैं। ये भी ठीक है। वेरी गुड, बेटर। गुरुजी कहाँ हैं आप? हाय हाय। जैकी चैन जी को हिंदी भी आती है? हाँ गुरुजी, उसी मिठाई की दुकान के सामने आना है आपको। हाँ आप उससे एड्रेस पूछिए ना। हाँ बस मेरा नाम मत लीजिएगा, बहुत उधार बाकी है ना मेरा। ओ-ओ। जी जी, बस गुरुजी की रिक्शा सामने तक पहुंच गई है। क्या जैकी चैन रिक्शे में आ रहे? यार इसके मुंह पे जरा टेप लगाओ, ये बहुत क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ना सीखने देगा ना सिखाने देगा। यो आइए 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 आइए।
पैर में क्या हो गया? किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा भाभी है ना, जाने दो। ओ, अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए, देखिए कौन आया है। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद चाहिए? Well, not at all is the, मुझे नहीं करवाना ऐसा हाल is the, है? ये कौन है? मेरे गुरुजी जैकी चैन। क्या? अरे इसमें चौंकने का क्या बात है? अरे बहुत बात है गुलगुले जी, मैं कल से सपने सजाए बैठा था कि मैं जैकी चैन से मिलूंगा, महान फिल्म स्टार जैकी चैन। आपने मेरे साथ धोखा किया है गुलगुले जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी शंघाई नून को शंघाई नाइट बना दिया है। थारे से इसने कब कही कि जैकी चैन द फिल्म स्टार आ रहा है? इट्स अ मिथ। मैं आपको रश आर में मिलूंगा। अरे चल ना, चल अभी बहुत, चल। आई देखो सांस खींचो, हाँ छोड़ो, हाँ बात सुनो, जैकी चैंग चट्टोपाध्याय, आमी जैकी चैंग है, चैंगो नॉट चैन, हाँ जैकी चैंग चट्टोपाध्याय हमारा पूरा नाम, अभी जाओ। कहता है अरे जाओ। अब नहीं जाऊंगा। अरे चलना यार। गुरुजी मैंने सुना है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर लड़ना सिखाते हैं। एकदम ठीक सुना है। पहले जमाने का जो फाइटर लोग होता था वो लोग आंख में पट्टी बांधता था और ऊपर में मछली का आंख में निशाना लगाता था। हम क्या करता है, जैसे तुम महाभारत में अर्जुन को देखा है ना, वैसा ही आंख में पट्टी बांध के हम फाइट करना सिखाता है। आप बोलो तुम फाइट सीखने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं। देवियों और सज्जनों, अब शुरू होने जा रहा है एक रोचक मुकाबला। यह मुकाबला है चंद्रमुखी चौटाला और चिंटू चोटी के बीच, और इस मुकाबले की शर्त यह होगी कि अगर चिंटू चोटी इस मुकाबले को हार जाता है तो वो रजनी द्विवेदी की जमीन से अपना कब्जा हटा लेगा। और अगर चंद्रमुखी चौटाला हार जाती है तो रजनी अपना हक इस जमीन से छोड़ देगा। शुरू होता है मुकाबला। पेंट टाइट है। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। कहा है चंद्रमुखी चौटाला, बुला उसे जल्दी। तो पुलिस की वर्दी में लड़ेंगी? हा देखो भाई, ऐसा है कि जिन लोगों के लिए पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा है वो इससे ना डरे, यानी कि तुम यो समझो कि मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, ठीक है ना? किस कलर का? अबे चलना लड़ना, अबे चलना। अब आप क्या कहेंगे नेताजी? अरे कहेंगे क्या सर, साले की हालत देख के मुंह चबूतरा हो गया, फैल के खसियाने बिलौटे लग रहे हैं, फैल के। है, है। चलो देख ले कितनी हड्डी टूटी, गिन लो। और अब शर्त के मुताबिक ये आदमी रजनी द्विवेदी की जमीन पर दिखना नहीं चाहिए, समझ गए?
अरे चलो चलो तुम लोग यार यहाँ से है? अरे करोड़ों की जमीन है, अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? इसको मैंने कहा था कब्जा करने के लिए। अरे ऐसी पता नहीं कितनी जमीनें जो है हमने कब्जा करवाई हैं। तुम्हें पता है जो 2,500 करोड़ का जो जमीन घोटाला है उसे मैंने करवाया है, मैंने। तब तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाए। अरे हम नेता हैं नेता, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नाम वोरा है और चारों तरफ कोहरा है। कोहरा छट चुका है नेता जी, क्योंकि चारों तरफ गर्दन घुमा के देख कैमरा लगे हुए हैं। और थारा यो बयान जो इकरार जो तैने करा है ना, वो रिकॉर्ड भी हो चुका है और इसकी लाइव फीड न्यूज चैनलों में पहुंच चुकी है। अरे नेता जी को कोई टीवी दिखाओ और आईना भी। वेल डन मिस्टर चौटाला, वेल डन। आज आपने साबित कर दिया कि कानून और वर्दी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। यस थैंक यू सर। इसलिए आज एक नारा लगाना तो बनता है कि जो पुलिस से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा प्रणाम गुरुजी, अगली बार आएगा और हमारे लिए टोपी जरूर लाइएगा। आऊंगा जरूर बच्चा, लेकिन हमने जो जो कहा है उन सब बातों को मानना, फिर देखो जीवन का आनंद, ले पटाखा दे सटाका। अरे गुरुजी आपने जो कहा ना हमें सब याद है, हम सब फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो हम तब तक आगे ना बढ़ेंगे जब तक कोई और आगे ना बढ़ जाए। और क्या सिखाया मैंने? और सिखाया कि अगर कोई पीछे से टोके तो मुड़ के ना देखे, और अगर कोई छींके तो वो अपशगुन होता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन चूंकि मंगल की दशा शनि के सप्तम ग्रह में प्रवेश कर रहा है, इसलिए तुम्हारा जीवन का उद्धार तब होगा बच्चा जब तुम कन्याओं से दूर रहोगे। हाँ ये तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं। हाँ तो हम भी गुरु हैं, कोई सलमान खान थोड़े है। अगर कोई लड़की ही तुमसे आके पीछे से लिपट जाए और कहने लगे कि हमसे शादी कर लो तो फौरन हाँ कर देंगे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आप तो रूठ गए गुरुजी, मना कर देंगे, ना कर देंगे, बोलेंगे नहीं करनी शादी। क्योंकि अगर तुमने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दिया तो समझ लो हो जाएगा जीवन का ले पटाखा दे सटाका। चलिए निकली गुरुजी, रिक्शा रुकी आपके लिए बाहर। याद है ना शादी नहीं करना? याद है चलिए। सर अंधविश्वासी हो गए। या मॉम, सर हो गए हैं घोर अंधविश्वासी। इज्जा ठंडा पानी पीने से आ सकती है खांसी। इज्जा है यार, जरा डिस्टेंस मेंटेन रखो यार, या तो फिर नहा के आया करो। सॉरी। क्या बात कर रहे हो? मतलब ये तो बहुत ही घटिया बात है यार, सर एक जिम्मेवार पुलिस अफसर होके इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मतलब अंधविश्वासी हो गए। सर को निकालना होगा चौकी से। चौकी से ना बल्कि अंधविश्वास के चंगुल से। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला पहाड़ी टीला एडिया आ रहा है। तो पहाड़ी के टीले से तैने पुश कर दूंगी, फिर देगा एडिया। कोने में तो आई है। हाय। मेरा मतलब है आइडिया सुनिए मैडम। मैडम अगर कोई लड़की सर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और प्यार के जाल में फंसा के सर से शादी कर ले तो सर का ये अंधविश्वास टूट जाएगा। बस हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत है मैडम, और वो लड़की होंगी आप। सर आ गए, सर आ गए।
क्या हो रहा है मिस्टर डाला साहब, हैं? बदतमीजी की हद हो गई है तो? कौन सी तमीज है यो किसी के संग डांस करने की? हमने तमीज दिखाई मिस्टर डाला, क्यों कर रही है आप हमारे साथ डांस? ना करिए ना, कौन बोल रहा है आपको? हमने तमीजी दिखाई तब के धीरे से छोड़ा, ऊपर से भी छोड़ सकते थे, ये समझ गए आप? हाँ तमीज, बढ़िया है तमीज वाली। एक्सक्यूज मी मैडम, वेदर क्लाउडी है, अक्षय राउडी है। तू कौन है राठौड़? राठौड़ नहीं मैडम, तोड़फोड़। हमारे घर की तिजोरी की तोड़फोड़ हो गई है। हुस्न हलवा है। अरे कौन सा हलवा है? मतलब मूंग दाल का हलवा है कि गाजर का हलवा है कि आटे का है कि किसी? सूजी तो मेरा नाम है। अच्छा तू सूजी है तो यो कौन है? बेसन? अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम मैं हूँ आटा। आटा अथर्रा वाला, वेदर क्लाउडी है, अक्षर राउडी है। Well, what is the matter is the Noida है, ग्रेटर is the। Hi, hi। ओहो क्या बात है, पालम एयरपोर्ट से सीधा ग्रेटर नोएडा। वो क्या आटा सूजी, तुम्हें क्या सूजी कि तुम जो है चौक का छोड़ के चौकी में आ गए हो? वो आटा तू बता रहा है, यहाँ गड्ढा खोदे यहीं खड़ा रहेगा? बता हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। रातों रात लुट गए, हुस्न हलवा है। दरअसल बात यह है मैडम कि गोया हम एक पार्टी में गए थे अपने बच्चे और गहना को घर छोड़कर, और जब हम वापस आए तो मैडम हम चुनाचे देखते हैं कि घर से कैश जेवर और गहना सब गायब है। एक वेदर क्लाउडी है, अक्षर राउडी है। अरे मैडम हुआ ये कि हमारे घर में एक नौकरानी है गहना, वो हमारे घर के गहने और जेवर लेके फुर रो गई, और इसने देखा है। ए वॉचमैन बता। आए हैं तो हम बताएंगे ना। नमस्ते मैडम, अभी क्या है? मैं हूँ परवाना पांडे, चीन जापान में है। पांडे क्या बात है, पांडे वेरी गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू। मैडम क्या है कि गहना से हम बहुत प्यार करते हैं, मतलब हम गहना के दीवाने हैं बस। खड़ा रह के बोल ले, मतलब मतलब मत कर। मैडम हम गहना के दीवाने हैं, गहना से बहुत प्यार करते हैं मैडम, उसको किसी के साथ देख नहीं सकते, लेकिन क्या है गहना मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती मैडम, किसी छिछोरे आवारा लड़के के साथ घूमती रहती है मैडम, और मैं गहना को किसी और के साथ देख नहीं सकता, मतलब मैं उसको पता नहीं क्या, मैं उसको किसी और के साथ देख लेता हूँ, मेरी आंखों में ये पील पील आंखें ना, खून खोल जाता है मेरा, मैं गुस्से में आ जाता हूँ मैडम। मेरा क्या है, मैं गुस्से में घर जाके मैडम 3 किलो गीली वाली खिचड़ी खा लेता हूँ चीन जापान में। चीन तो जापान में, थारी जिंदगी का थाईलैंड में हांगकांग में कर दूंगी मैं। बोलना यार। मैडम मैंने देखा गहना घर में अकेली है। पिट के मानेगा? नहीं नहीं, फिर मैंने उसके घर में किसी साये को देखा, बस मैडम फिर मेरा मेरा दिमाग सनक गया मैडम, मेरे जल भुन गया, मैं आग बबूला हो गया, और घर में फिर से जाके मैंने 3 किलो खिचड़ी खाई। इसका मतलब वो गहना के साथ कोई और था जिसके साथ मिलके उसने चोरी करी है, पार्टनर इन क्राइम। करेक्ट मिस चौटाला, करेक्ट। अबे ओ नकली पांडे, गहने का घर जानते हो ना? अबे ओ एड़े, यही घर है ना गहना का? अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैं अपने घर का पता भूल सकता हूँ लेकिन गहना का नहीं। पता है आपको, मैंने तो कई बार उसका घर तक पीछा किया है ड्यूटी छोड़ के। सर मैं बुलाऊंगी एक बार। अबे ओ एड़े, खड़े रहे बे जगह पर, एक बार बस। चुप गंदे आदमी, बुल्लू बुला बे। क्या कर रहा था? सॉरी अंकल। हेलो पुलिस पुलिस, एक मिनट एक मिनट। अरे असंती हो, अरे देखो पुलिस आई है। रो होता है।
सुमन आंटी को। मैं हट हट हट। तुम बाप हो रहे हो या बताशा? टूट गई है आशा। अरे अपनी बिटिया गायब है गई है और तुम्हारे मन में चिंता की ट्यूबलाइट भी ना जल रही। पालक पीस के धर दूंगी। अरे कचोरी बात ना खींचो इतनी लंबी चौड़ी, तेल की सीसी खाली है। तुम बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। हाँ पालक पीस के धर दूंगी। हेलो आंटी, हेलो अंकल, सब ठीक ठाक कैसे हैं आप? हेलो भतीजे, सब ठीक ठाक है। ये ठीक है। हाँ। अंकल गहना है? हाँ गहने तो बहुत है घर में है? मतलब अच्छा गहना, यू मीन टू से गहना मीन्स माय बेटी माय डॉटर। कचड़ी लो, एक और चाहने वाला आ गया गहना का। हाँ? तेल की सीसी खाली है। अरे तुम थोड़ी देर अपनी जबान पे बर्फ नहीं जमा सकते? हाँ? देखना रे पुलिस वाले आए। अच्छा हुआ भैया आप लोग आ गए, हमारी गहना तो गायब है गई है। पालक पीस के धर दूंगी। सर गहना के बारे में पूछो ना। अबे गंदे हाथ है हम सब पूछ रहे। सुनो भैया, हम गहना के बारे में जरा पूछताछ करने आए, जरा बताओ उसके बारे में कुछ खबर है आपको? हाँ पता है ना, वो तो मर गई। क्या? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या? नहीं नहीं, माने मेरा कहने का मतलब है कि वो हमारे लिए मर गई है, क्योंकि वो है ना बार बार घर से भाग जाती है, और इस बार तो वो गधे के साथ भाग गई है। अरे तुम्हारी रामायण तो महाभारत पे जाके खत्म होगी है। सीधे सीधे ना कह सकते कि सूरज के संग भागी है? हाँ। सूरज को गधा कह रहा हूँ मैं, जिसके संग हमारी बिटिया का टिंचू टिंचू टाए टाए चल रहा था। है? पालक पीस के धर दूंगी। वो सूरज के साथ भाग गई है। तो आपके हिसाब से वो सूरज के साथ भाग गई, लेकिन आपको शायद ये बात पता नहीं है कि जिस घर में वो काम करती थी वहां से वो थोड़े जेवर और दागीने लेकर भी भाग गई है, और जिसकी FIR हमारी चौकी में लिखवाई गई है। और एक और बात है कि जब वो भागी है तो उसके साथ एक आदमी देखा गया है। अरे भैया वो लड़का है ना सूरज, उसी ने बरगलाया होगा हमारी गहना को, वरना हमारी गहना बिल्कुल ऐसी नहीं। पालक पीस के धर दूंगी। अच्छा आंटी एक मिनट, आप लोगों के पास वो सूरज नाम के जो लड़का है उसका कोई एड्रेस है? नहीं वो सूरज का पता हमारे पास नहीं है। हाँ लेकिन इतना पता है कि वो कहीं टिमरकंटोला में रहता है। टिमरकंटोला? मैडम मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जब किसी आशिक को जलन मचती है ना, वो जलता है भूनता है तो वो खिचड़ी खाता है। अब उस वॉचमैन को देखिए आप, उसने जल के भून के खिचड़ी खाई ना, और अभी भी खा रहा है वो खिचड़ी, खा रहा है। कई साल पहले की बात है मैडम, मेरी एक पड़ोसन ने मेरा दिल तोड़ा था, और मुझे याद है मैडम तब मैंने भी रोज खिचड़ी खाई थी, रोज घपा घप। या मॉम, खिचड़ी होती है टूटे दिल की प्रेम परीक्षा इसदा, उसके बाद कुछ खाने की नहीं होती इच्छा इसदा। अबे तो मैं के करूं यार, मन ने क्यों बता रहे हो यो सब? हाँ यार, क्योंकि मैडम सर मालपुआ खा रहे हैं, उनके अंदर इश्क की जलन कुछ उठ ही नहीं रही। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि आप किसी और से सेट हो जाइए, मतलब किसी और के साथ में सर के सामने आइए, फिर देखते हैं कि सर को जलन मचती है कि नहीं मचती है। और अगर सर को जलन मची तो वो खिचड़ी खाएंगे, और अगर वो खिचड़ी खाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि उनके दिल में भी आपके लिए इश्क का पुलाव पक रहा है। वाओ 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 वाओ। सही है, तो सुनो क्या करना है। बंद करो हमिंग इज द सर इज कमिंग इज द पुचक दुम दुम पुचक दुम 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 दुम पुचक दुम दुम पुचक दुम दुम। हम तुम तीनों से नाराज है, लेकिन इतने भी खफा ना है। हाय मुंह लटकाए काए खड़े हो बे तुम तीनों? सर मुंह लटका के नहीं खड़े रहे तो कैसे खड़े रहे सर? सर मैडम की वजह से हमारी इज्जत का टमाटर फूट चुका है सर। शर्म आ रही है? क्या बोला बे? शर्म आ रही है सर मुझे?
मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आज तक हम उन मैडम के लिए काम करते आए जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को सर बोल 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 बेच खाया। या सर, मम्मी जी ने हम सब की कटवा दी है ना किसदा, इस बारे में आई डोंट वांट टॉक किसदा। गुड गुड, हम तो पहले से ही कह रहे थे तुम तीनों को, वे तुम ही सपोर्ट कर रहे थे मिस चौटाला को। yeah. अब क्या कर दिया बे उन्होंने? क्या कर दिया सर, क्या कर दिया, पूछे क्या नहीं किया, क्यों किया, किसके साथ किया। क्या किया, क्यों किया, किसके साथ किया, बताओ। अबे भुलक्कड़ बिल्लू बता बे। भूला कौन बिल्लू? लाला आमी मांजलिका। बोल बे बोल बोल। सर मैडम, मैडम किसी और से पट गई सर, मतलब सेट हो गई है, फंस गई है, किसी और के इश्क की मधुमक्खी बन के भन्ना रही है वो। बकवास है बे बकवास है, हो ही नहीं सकता, किसके साथ बे, कौन है? सर आप सुन सकेंगे? सर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, सुख के बादल हट जाएंगे, आप टेंशन से घट जाएंगे। बता बे। या सर, शीज वॉचमैन इज द, जिसके बिना मॉम को नहीं है चैन इज द। अबे बकवास है बे, सब बकवास है, कौन सा वॉचमैन बे? वही है सर, वही चीन जापान है। आपका पांडे। ये 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 आपका। अबे बस कर बे। वो सर मैडम को, सर आप पान खाते रह गए, वो मैडम को जापान ले गया। और सर मैं पक्की खबर लाया हूं, अगर अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आज शाम को चौकी में दोनों मिलने वाले हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। लाला देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, और जब तक अपनी आंखों से देख ना ले, हम यकीन ना करेंगे। वॉचमैन बे, वॉचमैन नहीं, हम तो ऐसे ही। बंटी, अरे सनी को हमारी तरफ से हाय बोलना है। ओके बाय बाय। अरे भाई दरवाजा खुला है, आ जाओ। और भैया सब ठीक हो? ठीक है, तो बताइए कि आप, मतलब तुम, मतलब तू सूरज है क्या? हाँ हाँ, अरे सूरज सतंगी हम ही है, लालटेन बुझा दूंगा। लालटेन मैं बुझा दूंगा करके कहाँ है गहना? अरे भैया हम तो खुद ही बड़े परेशान हैं कि वो कहाँ है। एक बात बताओ बे, तुम्हारा गहना के साथ कोई लफड़ा वफड़ा है क्या? हाँ साहब, लफड़ा वफड़ा तो है हमारा उसके साथ, लेकिन हमको पता नहीं कि गहना कहाँ है। देखो ऐसा है कि गहना अपने मालिक के घर से जेवर और कैश लेकर भागी है, और वॉचमैन ने बताया कि वहां पर उसके साथ एक लड़का भी था, वो लड़का तुम ही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हम वो नहीं हैं। अरे साहब जी, अरे क्या है ना कि 3 दिन से तो हम खुद ही जो है लुटेरा नर्सिंग होम में जो है अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अरे हाई फीवर के कारण जो है हम वहां पे एडमिट थे। और एक चीज बताएं, अगर हमारी आप बात विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, तो आप डॉक्टर साहब की वाइफ से पूछ लीजिए। डॉक्टर की वाइफ से क्यों पूछे? क्या है ना साहब जी,
कि वो जो है पूरी रात अरे हमारे मत्थे पे जो है पानी की पट्टियां रख रही थी। हाँ लालटेन बुझा दूंगा। ये वो सूरज नहीं है जो उस रात को गहना के साथ था, तो फिर उस रात वॉचमैन ने किसका साया देखा गया? अबे देख लिया सर, देख लिया आपने, अब यकीन आ गया होगा आपको कि मैं सिर्फ फेंका फाकी नहीं करता हूँ, ये सब चल रहा है। सोच भी ना सकते कि मिस चौटाला एक वॉचमैन के साथ इस तरह कमर मटका कर सकती है। सर वो सूरज क्या देख रहे हैं? सर कुछ तो नहीं है सर, पूरा तो देखिए अभी। लगा दिया आग मैडम, जल गया टाइम पास पांडे, गुड वर्क बॉयज। अब खिलाती हूँ मैं इसे 3 किलो खिचड़ी। यही घर है उनका। हम कौन रह रहे हैं? क्या बोल रहे मैडम, कोई तो रहता होगा। अबे तू मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ पहले उनसे? सॉरी अंकल। अंकल एक मिनट, एक मिनट। अरे सुनती हो? सुनो पुलिस वाले आए हैं। आंटी ने मारा? हाँ ये दो हाथों। हमारी गहना का पता मिल गया क्या? पालक पीस के धर दूंगी। ना ना वो गहना तो ना मिली, पर वो मिला है सूरज। सूरज? हाँ तो उसी के साथ होगी ना हमारी गहना, तेल किसी से खाली है? नहीं उसके संग ना भागी है वो। तुम दोनों जरा सोच के हमें यो बताओ कि कोई और है ऑप्शन, मतलब कोई और छोरा जिसके संग भागी हो सके तुम्हारी बेटी? हाँ एक याद आ रहा है मुझे। कौन याद आ रहा है? वो एक, वो हाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और उसका नाम है टार्जन। टार्जन तुम्हारी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो अंकल जी आपकी बेटी टार्जन से मिलने जंगल जाती थी कि टार्जन झाड़ियों पर लटक के आता था? हाय हाय एक जी, तुम किसी काम के ना हो। हाँ, आधे दिमाग की और बात भी करोगे अधूरी है। न्यूना बता रहे कि दूसरा टार्जन है, वो वाला टार्जन ना है। मैडम ये दूसरा टार्जन है, उसका नाम है टिंकू टार्जन। पालक पीस के धर दूंगी। मैडम ये वही टार्जन है जिससे हमारी गहना की दोस्ती टूट गई, एक्स बॉयफ्रेंड था ये उसका। पालक पीस के धर दूंगी। अरे रिश्ता अगर टूट गया तो फिर कैसे भाग सकती है उसके संग? अब क्या बताऊं मैडम, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। तो शर्मा लीजिए। एक मिनट। बेटी जब भगी तब तो आई ना बाप को शर्म, बुढ़ऊ को। अब यहाँ पुलिस वालों के आगे खूब शर्मा ले रहा है। हाँ तो शर्माने के बाद मुझे गुस्सा भी तो बहुत आ रहा है ना। तेल की शीशी खाली है। बड़े आए गुस्से वाले। हाँ अरे तुम्हारी वजह से हमारी बिटिया गायब हुई है। हाँ? अरे उस वक्त ना गुस्सा आया, उस वक्त नजर ना रखी कि बिटिया कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। हाँ? अब आ रहा है गुस्सा, अब आ रही है शर्म। हाँ? पालक पीस के धर दूंगी। ओ आंटी ऐसा है, जरा कीमती हो रहा पुलिस वालों का टाइम। अपने पति को जो है ना हमारे जाने के बाद धो लेना, पीट लेना, चाहे निचोड़ के सुखा देना तुम तार पे। अभी जरा उस टार्जन का कोई पता ठिकाना एड्रेस कुछ बेरा है तो बता दो। अरे है ना उसका पता है? अरे तुमने झाड़ू तो ना लगाई रसोई में? वहां धरा मैंने पर्ची पे लिख के ना। पालक पीस के धर दूंगी। एक मिनट जरा आना, इधर आना आंटी। आंटी जाइए। पालक पीस के धर दूंगी। 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 हाय मैडम मैं भी खेलूं एक बार? क्यों नहीं, एड्रेस लिखवा ले जरा आंटी से। ओ ले आओ जरा टार्जन का एड्रेस। और तुम कौन से जमाने की स्टाइलिंग में तुम्हारा विश्वास चल रहा है यार? है सफेद तुम्हारा पजामा, भिजी हुई बिल्कुल ही, ना शर्ट ठूस रखी, सफेद मूछ, काले बाल, जेल लगे हुए हाथ में, झाड़ू, काले जूते तुम्हारे, इसलिए भगी है बेटी माँ बाप का बवाल देख के बिल्कुल ही। पागलों का घर है मैडम, अंग्रेजी भी बोलते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स कैसे बेरा तुम्हें? एक्स बॉयफ्रेंड का मतलब एक्स वाई जेड मींस
ये। अरे यहाँ तो ताला है, ये क्या घोटाला है? अरे वाह 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 वाह, क्या शेर अर्ज किया है हुजूर। टर्टर मेढक करते हैं बरसात में। बरसात में? वाह वाह, अगली लाइन में गौर फरमाइएगा। क्यों यार? गरम गरम पकौड़े की याद सताती है हमें रात में। वाह 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 वाह, मतलब शेर के अंदर पकौड़े भी आ गए, कमाल। वाह 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 वाह। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो है टिंकू टार्जन नाम का लड़का। जब जब कैटरीना कैफ को देखा मेरा दिल धड़का। पुलिस वाले भाई साहब, हम भी एक शेर सुनाएंगे। इरशाद, बचपन से शायर हूँ, मतलब अर्ज किया है कि दाद दीजिएगा जरा। हाँ, देंगे देंगे देंगे, दाद चाहूंगा आपसे, मतलब हम देंगे देंगे देंगे, मतलब आपकी दाद मिलेगी तो बहुत खुश हो जाऊंगा। देंगे देंगे दाद, देंगे देंगे दाद, देंगे देंगे देंगे, ठीक है। तो दाद दीजिएगा आप भी, मतलब टिंकू टार्जन कहीं कर रहा होगा मटर गश्ती। टिंकू टार्जन कहीं कर रहा होगा मटर गश्ती। क्यों चिचोरा है कहीं का वो? अकेले चला रहा है बेचारा लाइफ की कश्ती। वाह वाह वाह, हुजूर कमाल कमाल, हुजूर कमाल कमाल। अरे कुंवारा है, अकेला है। एक और है, ये 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 लास्ट है। तुमको दाद चाहिए? नहीं, कुंवारा है, अकेला है। ओहो, अकेला है। हमारी इस बस्ती में शायरों का मेला है। फुर्सतिया फोकतिया कहीं के, यहाँ पे क्या मुशायरा चल रहा है यहाँ पे? हमको उसको ढूंढना है, टिंकू टार्जन को, वरना मैडम हमारा ऑर्केस्ट्रा बना देंगी। गुलगुले जी, करेक्ट, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। क्या ये शायरी वायरी सुना के टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा है? अब ये बताओ कि ये जो टिंकू टार्जन यहाँ पे रहता है वो क्या है, 3-4 दिन से गायब है? अरे नहीं साहब, सुबह ही दिखा था मैं। कहाँ देखा था? यहाँ तो ताला लगा हुआ है, घर में कोई है नहीं है, तो फिर कहाँ मिलेगा टिंकू टार्जन? अरे पुलिस वाले भाई साहब, वो देखिए, वो हमारा टिंकू टार्जन। वो है, निकलो निकलो, तुम लोग निकलो निकलो। एक शेर और, समझ भी नहीं पाओगे हमारी फुर्सती। तुम हो टिंकू टार्जन? हाँ, मैं हूँ टिंकू टार्जन, ऊपर से नीचे तक। लेकिन टार्जन तो पूरे कपड़े पहनता है। और अगर तुम टार्जन हो तो रस्सी पकड़ के क्यों नहीं आए ऐसे? अच्छा तो तुम हो टिंकू टार्जन। एक मिनट एक मिनट, एक फोटो ले लेते। मैडम को दिखाने के काम आएगी, बुरी आई, ठीक है, अच्छा दिखता। अच्छा एक बात बताओ के, और सच सच बताओ के गहना कहाँ है? कौन गहना? ऊपर से नीचे तक। वो गहना जिसके साथ मिलके तुमने चोरी की, वो गहना जो तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी, वो गहना जिसके साथ तुम गायब हुए। अब जल्दी जल्दी बता दो, वरना हमारी मैडम तुम्हारी वो सुताई करेंगी, वो सुताई करेंगी ऊपर से नीचे तक। एक मिनट भाई साहब, अगर मैं गायब हूँ तो मैं यहाँ कैसे हूँ? और अगर मैंने चोरी की है तो मैं मोहल्ले में कैसे घूम रहा हूँ ऊपर से नीचे तक? टार्जन की बात में पॉइंट है, पॉइंट है। और हाँ, रही गहना की बात, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने पिछले कई महीनों से इससे बात तक नहीं की है। अरे मुझे कुछ नहीं पता ऊपर से नीचे तक। आप यहाँ खड़े हैं? सर खाना हो रहा है ठंडा इज्दा, मेरी सास ने मारा मुझे डंडा इज्दा। मानो अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते गोपी, और वो लड़की किसी वॉचमैन के साथ नाच गा रही होती तो तुम क्या करते? मैं खाना ना खाता सर। हम भी खाना नहीं खाएंगे। नहीं सर, खाना तो आपको खाना पड़ेगा सर, खाली पेट ऐसे थोड़ी होता कुछ। भूख लगी है? मान लो अगर भूख लगी होती तो मैं तो इस मौके पर तुम क्या खाते? सर मैं खिचड़ी खाता। तुम भी खिचड़ी खाएंगे? कितनी खाते बे? 3 किलो। 3 किलो मंगाओ जल्दी खिचड़ी। ओके। क्या बात है, क्या बात है, हमारी चौकी के अमर अकबर एंथोनी, राहुल सचिन धोनी,
क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो कि सैल्यूट करना भी भूल गए? या मॉम, आपकी लाइफ में है बाहर आने को, सर ने मंगवाई है खिचड़ी खाने को और वो भी पूरी 3 किलो। मैडम मतलब मैडम आप समझ लीजिए आपका टाका भिड़ गया, मेरा मतलब है समझ लीजिए काम हो गया। मैडम सर जल के कुप्पा हो गए कुप्पा, और कोई भी इंसान जल के कुप्पा तभी होता है जब उसे किसी से प्यार हो जाए है? और जिससे उसे प्यार हो जाए वो इंसान किसी और के साथ में रंग रलिया हाय हाय मतलब घूमे फिरे कुछ सेटिंग करे मतलब यार मन ने तो बिलीव नहीं हो रहा यार कि सर ने जो है खिचड़ी खा ली। इसका मतलब वो हमारे से प्रेम करे। yes! यार प्लीज जरा ना चौकी में तमीज से रहा करो। ये पापा जरा एक कोड ऑफ कंडक्ट हो बे, सलूट मारो। उसका क्या हुआ अपना टिंकू टार्जन वाला? वो बेकसूर है मैडम, हम उसके घर गए थे और वो अपने घर पे मौजूद था। हाँ मैडम, उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो कहीं गायब भी नहीं हुआ। हाँ मैडम, वो अकेला रहता है और उसके घर का ताला खोल के हमने घर भी चेक वेक किया, सब ठीक है मैडम। अब ये उसकी फोटो भी खींच के लाए हैं, देखिए। जो टिंकू टार्जन से क्वाइट अ बियर्ड लुकिंग मैन। मिस्टर डाला लगता है किसी ने सर की खिचड़ी पे नजर लगा दी। तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ₹300 हो गए जी। लो यार चिंता क्यों करो। थैंक यू। हाँ जी मैडम, क्या दूँ? सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द या बुखार? बाकी दुकान चल रही है घाटे में, चना मिला है आटे में। हाय, ये जो लौंडा गया है अभी यहाँ से, हाँ जी हाँ जी, ये कौन सी दवाइयाँ लेके गया यो? ये जी ड्रेसिंग का सामान लेके गया है, थोड़ी एंटीसेप्टिक क्रीम है घाव शाव भरने के लिए, टिंचर है, पट्टी है, बाकी एंटीबायोटिक है। अरे पर इसको देख के ये तो ना दिखे कि इसको कोई चोट वोट लगी होगी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल चंगा वाला मुंडा है, मुस्टंडा है बिल्कुल जी। हाँ जी, बाकी किसी और के लिए दवाई लेके गया होगा? किसी और के लिए? पर यो तो अकेला रहे और यो तो इस इलाके का भी ना है, तो फिर यहाँ? ओ मैडम जी, मेरे को क्या मालूम वो अपने लिए दवाई लेके गया है किसी और के लिए, मेरी तो दवाइयों की दुकान है, जो आता है मैं दवाई दे देता हूँ। एक बात सुन, तू जो है ना पेट दर्द की कोई बढ़िया वाली दवाई लेके ईमान चौकी भग ले, वहाँ हमारे सर जी की जो है तबीयत खराब हो रखी, सही है? और ये शटर गिरा ले, जल्दी भग ले। मैडम अभी कैसे शटर गिरा दूं? भाई जिंदगी का शटर गिर जाए उससे तो बढ़िया है ना दुकान का शटर गिर जाए। अभी करता हूँ जी बंद शटर। मत रो गहना, मत रो। देख मैं तेरे लिए दवाई लाया हूँ, अब मैं रेडियो में एक अच्छा सा गाना सुनूंगा और फिर तेरी इस चोट पर दवाई लगाऊंगा। टिंकू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो ना। क्या क्या कहा, क्या बिगाड़ा है? मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने सूरज के प्यार को अपना लिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ना गहना ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे मालिक के घर पे चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा, अब तुम यहाँ पर हो मेरे पास, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जाको राके साईया मार सके ना कोई। हाँ मैं चंद्रमुखी चौटाला, कहने के लगा कि तू अपना यो खेल खेलेगा और पुलिस बस हाथ मलती रह जाएगी। मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए इससे।
टेंशन ना लगे ना, मैं आ गई हूँ ना, तैने भी ले जाऊंगी यहाँ से और इसने भी। सावधान है जी। हाँ जी, मैं स्टिक फाइटिंग में ब्लैक बेल्ट हूँ और आप मेरे बारे में नहीं जानती। मैंने इस डंडे से एक बारी में 50-50 आदमियों को एक साथ पीटा है और एक बार तो कॉलेज में मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसी काय में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है तू? मैडम स्टिक फाइटिंग में। और मैं स्लैप स्टिक। टिंकू टार्जन, यू आर अंडर अरेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।